आखिर लंबे अरसे के बाद नागौर की कुचामन कृषि उपज मंडी के राजफेड में मूंग की खरीद शुक्रवार से शुरू कर दी गई। पहले दिन मात्र दो किसानों ने अपना 23 क्विंटल माल कुचामन क्रय विक्रय सहकारी समिति को मंडी परिसर में तुलवाया। जानकारी के अनुसार क्रय विक्रय सहकारी समिति कुचामन के कर्मचारी गौतम ने बताया कि कुचामन मंडी परिसर में राजफेड अगले 3 महीनों तक किसानों के मूंग 7,050 रुपए सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद करेगी। कुचामन क्रय विक्रय सहकारी समिति के अंतर्गत कुल 3200 किसानों के टोकन ऑनलाइन कटाए गए, जिनमें से पहले दिन कुल 10 किसानों को मूंग की तुलाई के लिए टोकन जारी किया गया। शुक्रवार को मात्र 2 ही किसानों ने अपना माल तुलवाया। गाजियाबाद के गणेशपुरी में एक ऐसा बच्चा रहता है जिसके घर पर मेडल और ट्रॉफी लगाने के लिए जगह ही नहीं है। 10वीं क्लास में पढ़ने वाले संगम के घर पर रखने के लिए मेडलों की जगह नहीं है। जहां नजर जाती है वहां मेडल और ट्रॉफी नजर आती है। बड़ी बात यह है कि इतने मेडल जीतने के बाद अब उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल गेम्स में हुआ है, लेकिन ये बच्चा एक किराए के घर में रहता है जिनके घर की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। इनके पिताजी केवल 7,000 रुपए महीना कमाते हैं। संगम के ट्यूशन का सारा खर्चा उनके टीचर विपिन देव उठाते हैं और हर वह मदद करते हैं जिसका वह हकदार है। जब इस बारे में विपिन देव जी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह बच्चा आगे चलकर हमारे देश का नाम रोशन कर सकता है, इसलिए हमने अपने सहयोग से पूर्ण सहयोग करते हैं। आपका मेरा नाम विपिन देव है और मैं बच्चों को ट्रेन करता हूं, एथलेटिक्स और कबड्डी का कोच हूं। एक छोटी सी एनजीओ टाइप की चलाता हूं सारा परिवार के लिए। अच्छा, ये संगम कौन है? संगम मेरा स्टूडेंट है, 6वीं क्लास से मेरे पास सीखने आता था, 7वीं 8वीं में इसने पढ़ाई करी। फिर लगातार मेरे पास स्पोर्ट्स खेलते खेलते इसका मन टेबल टेनिस में था। एक बार मिल गया ये तो उसे टेबल टेनिस में मिला आता था तो थोड़ा सा हेल्प करी, अब आगे बढ़ने लगा है टेबल टेनिस में। आज ये स्टूडेंट ओलंपिक के लिए सिलेक्ट हुआ और भारत का प्रतिनिधि करने के लिए एशियन गेम्स में जा रहा है। एशियन गेम्स के लिए जा रहा है, कोई दिक्कतें आ रही हैं? जी बहुत दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मेरे भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मैं उसकी जितनी कर सकूँ इसके लिए, लेकिन हाँ जितना मैं कर सकता हूँ मैं उतनी इसकी हेल्प करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग भी इसकी हेल्प करें, गवर्नमेंट भी हेल्प करे, आसपास के जो लोग हैं इसको थोड़ा सा सपोर्ट करें ताकि ये आगे बढ़ सके। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है बच्चे की, बच्चों को सभी की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा इसलिए मेरी सबसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी इसकी हेल्प करें। आपके चैनल के माध्यम से ऐसे लोग जो इसकी हेल्प कर सकते हैं वो सामने आए। मेरा नाम संगम कुमार सिंह है। संगम कुमार सिंह, कहाँ कहाँ से मेडल जीते हैं आपने? भाई मैं गुजरात से स्टूडेंट ओलंपिक में मेडल जीत के आया हूँ और अब मेरा सिलेक्शन हुआ इंटरनेशनल चैंपियनशिप एशियन गेम्स के लिए जो मलेशिया में होने वाला है। मलेशिया में होना इंटरनेशनल में? अच्छा, इससे पहले नेशनल पास कर दिया आपने? हाँ जी, मैं नेशनल कम्प्लीट कर चुका हूँ, नेशनल में 6 टाइम मेडलिस्ट हूँ। और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल खेल में जा रहा हूँ। कहाँ कहाँ खेल गए हो? भाई मैं हिमाचल प्रदेश खेल गया हूँ, गुजरात खेल के आया हूँ, गोवा खेल के आया हूँ, देहरादून। अब आपको कैसा लग रहा है इंटरनेशनल खेलने जा रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है कि जो ये फेडरेशन है 50% देगी हमें, तो उसमें जो प्राइज हमें पैसे लगेंगे वो ज़्यादा लग रहे हैं, जो हमसे कोई हो नहीं पा रहा। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा लेबर है। लेबर का काम करते हैं? जी। तो आपके पास जाने के लिए पैसे नहीं है? मध्य प्रदेश स्थापना दिवस कार्यक्रम 1 नवंबर को जिला मुख्यालय व पुरानी कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर संजय कुमार द्वारा ध्वजारोहण किया गया, राष्ट्रगान व मध्य प्रदेश गान का गायन किया गया। तत्पश्चात कलेक्टर संजय कुमार ने मुख्यमंत्री का संदेश का वाचन किया। संदेश वाचन के पश्चात कलेक्टर ने कार्यक्रम में उपस्थित जनसमूह को शपथ दिलाई। शपथ के पश्चात नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा मलखंब एवं स्कूली छात्र छात्राओं के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इसके पश्चात पुरस्कार वितरण किया गया। बेजुबान पक्षी की जान बचाने के लिए प्रतापपुर फायर ब्रिगेड की टीम के जवानों ने अपनी जान को भी दांव पर लगा दिया। ताजा मामला मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र में स्थित श्री राम कॉलोनी का है। आज सुबह प्रतापपुर फायर ब्रिगेड को कंट्रोल रूम से एक सूचना मिली कि नवीन फल मंडी के पास स्थित श्रीराम कॉलोनी के गेट नंबर 2 के सामने एक ऊंचे पेड़ पर एक जिंदा कबूतर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड के जवान फायर टैंकर को लेकर मौके की तरफ दौड़ पड़े।
मौके पर जाकर देखा तो जिस पेड़ पर जिंदा कबूतर तारों में उलझा हुआ था उस पेड़ के पास हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत कबूतर को सकुशल बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया। लगभग एक घंटे तक चले इस ऑपरेशन के बाद कबूतर को जिंदा बचा लिया गया। कबूतर को बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की वीडियो बना रहे लोगों ने कबूतर को जिंदा पाए जाने पर फायर ब्रिगेड और मेरठ पुलिस के नारे लगाते हुए तालियां बजाई और कार्यशाली को सराहा। इंद्र जी, आपको आपके कंट्रोल रूम से क्या सूचना मिली? एक ममता नाम की लेडीज है, उन्होंने सूचना दी हमारे पास कि एक पक्षी जो है उस पेड़ पर अटका हुआ है पिछले दो दिन से। तो उसको हमारे पास जब सूचना आई, हमने उस कंट्रोल रूम के माध्यम से अपनी फायर ब्रिगेड टीम को बुला करके और उसको रेस्क्यू किया गया। आप भी राजेंद्र जी लोगों से किस प्रकार की अपील करते हैं? जैसे लोग, कुछ लोगों के लिए बड़ा सामान्य रेस्क्यू था, लेकिन अगर उसे गंभीर नज़रों से देखा जाए तो बहुत बड़ा ऑपरेशन था जो सफल भी रहा। कि हमारा उद्देश्य ये है कि भाई सभी किसी भी जीव, जो भी जीव है उसकी जान बचाई जाए और पुलिस और जनता के सहयोग से ये कार्य जो है सफल हो। आपका नाम क्या है, आप कहाँ तैनात हैं और क्या रेस्क्यू किया गया था? मेरा नाम फायरमैन प्रवीण कुमार है, मैं फायर सर्विस प्रतापुर में हूँ। और कुछ देर पहले हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक पक्षी जो है वो पेड़ पर लगा हुआ है। वहाँ पे 11,000 की और 33,000 की लाइन थी, जिसमें हमारी फायर सर्विस यूनिट में, जिसमें कि फायरमैन जोगिंदर सिंह, अनिल मौर्य और ड्राइवर योगिंदर सिंह आए। और हम लोगों ने देखा कि एक कबूतर जो है वहाँ पे पेड़ के बीचों बीच लाइनों के बीच में लटका हुआ था। तो हम लोगों ने फायर लेडर लगा के और उसको वहाँ पे हमारे फायरमैन जोगिंदर सिंह ने ऊपर चढ़ के उस कबूतर को बचाया और सचिव उसको उतार लिया गया है। तो फिर इतना बाबूजी, क्या देखा आपने, क्या सूचना दी और फिर ये किस चीज़ का रेस्क्यू हुआ? आपको कैसा लगा इस रेस्क्यू को देखकर? ये तो बहुत बढ़िया लगा कि हमें लड़की को छोड़ने स्कूल आया था, उसकी बस आती है यहाँ पर, तब मैंने उसको यहाँ तड़पते हुए देखा पेड़ पर। तो तब इसकी हमने जो है सूचना दी थी और ये पुलिस ने जो है आकर के बहुत अच्छा। अच्छा, आपने भी देखा कि PRB और प्रतापपुर फायर ब्रिगेड टीम आई और उन्होंने दो लाइनों के बीच में मतलब जान पर खेल कर ये रेस्क्यू किया, इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए। मैं भी पुलिस से ही रिटायर हूँ, मैंने भी जो है ऐसे काम किए हैं जो है, और ये बहुत ही अच्छा लगा जो है इस समय जो इन्होंने यहाँ पर किया है। बहुत ही एक सराहनीय काम है जो अगर इसी तरह से पुलिस ने सभी मिलकर काम करते रहे तो बहुत ही अच्छी है। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद मूढ़ा पांडे क्षेत्र में मेहंदी रामपुर भीला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक ने ससुराल पक्ष के लोगों की डिमांड पूरी न होने पर जहर खा लिया। जहर खाते ही युवक के मुंह से झाग निकलते देख परिजनों ने 108 एम्बुलेंस को सूचना देकर पास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र मूढ़ा पांडे में भर्ती कराया। स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने युवक की नाजुक हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, जिसके चलते इलाज के दौरान युवक ने जिला अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है, जिसके चलते मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला हुआ है जो आपने के बहर की मृत्यु हुई है? मामला ये था, कल सुबह 9 बजे करीब इसकी भाभी को सांप ने काट लिया था जी। तो हम इन्हें बेनाजी लेकर गए जी। वहाँ से हम वापसी लौटे 3 घंटे के बाद लमसम में 2:30 बजे जी। तो यहाँ पर देखा ये मुँह से झाग दे रहा। अच्छा। उसके बाद 108 नंबर पे हमने कॉल करी जी। फिर हम इन्हें एम्बुलेंस में डालकर मूढ़ा पांडे ले गए जी। मूढ़ा पांडे गए तो वहाँ से उन्होंने सिविलियन के लिए रेफर कर दिया। क्या लगता है तुम्हें, जहर इन्होंने खाया या खिलाया? सर इन्होंने, इसे किसी ने खिलाया? किसे मानती खिलाने वाले? इसके साले ससुरालिया हैं, जो क्या अभी इसकी बीवी खत्म हुई थी तो ये 5 लाख का डिमांड कर रही थी। अच्छा। हाँ। तो दे पाए थे ये? नहीं, जिसके चलते इन्होंने। क्या पुलिस भी दबाव बना रही थी इन पर? हाँ। क्या बार दबिश मारी थी घर पर? 2 बार पुलिस आई थी घर। अच्छा, क्या बोला था पुलिस ने? पुलिस ने वो कागज के ऊपर कह दिया था, जो कागज वहाँ से आएंगे तभी मुकदमा होगा। क्या बच्चे हैं इनके? इनकी एक लड़की है, 7 महीने। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ ही चाहते हैं। सर क्या मामला है जो युवक जहर खाते हैं?
ये इसमें कुछ दिन पहले थाने में एक FIR दर्ज हुई थी दहेज हत्या में 304B में, तो उसमें जो एक्यूज था उसका नाम था लक्ष्मण, उसकी वाइफ की डेथ हुई थी जलने की वजह से, उनको सफदरजंग में एडमिट भी करवाया गया था, उनके बाद उनकी डेथ हुई वहीं पे 14 तारीख को। उसके बाद उनकी माताजी की तहरीर पे इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। कल ये सूचना मिली कि उसने जहर खा के आत्महत्या की कोशिश की, उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए जहाँ पर उनकी डेथ हो गई है। PM की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस बताया गया है, इसलिए उसका विसरा प्रिजर्व करके लैब में भेजा गया है, बाकी विवेचना प्रचलित है। सर, परिजनों को अनुरोध है कि सुधराल पक्ष वालों से 5 लाख रुपए की डिमांड थी जिसके चलते संतुलन खराब है, तथा युवक और युवक को मारा गया जहर देकर के। नहीं, अभी तक उसमें उन तथ्यों की हम पुष्टि करेंगे, अभी तक तो जो हमारे पास जो सूचना है वो इतनी है, लेकिन इसके खिलाफ कोई तहरीर भी दी नहीं गई है उनके ससुराल वालों के खिलाफ, उसमें कोई एप्लीकेशन आती है तो हम उसकी भी जांच करेंगे उन तथ्यों की भी। सर, किसी खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है? नहीं, अभी कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है।